अपेंडिसाइटिस। पिछले एक महीने में लगभग 3 ऐसे मरीज मैंने ऑपरेट किए, तीनों पेशेंट लगभग बहुत खराब स्थिति में मेरे पास आए। बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है जो लगभग हम ये कहते हैं 30 से 40 मिनट में ऑपरेशन समाप्त हो जाता है, और आजकल दूरबीन की वजह से लगभग एक दिन में छुट्टी हो जाती है। वहीं इस ऑपरेशन में मुझे एवरेज टाइम लगभग 1.5 से 2 घंटे हर केस में लगा, और मरीज को भी अतिरिक्त समय अस्पताल में रुकना पड़ा। ऐसा केवल इसलिए हुआ है कि हमारी आधी अधूरी जानकारी से जब हम निर्णय लेने लगते हैं तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक छोटी सी बीमारी को हम जानलेवा या बहुत जटिल बना लेते हैं। अपेंडिक्स सामान्यतः कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी यह बहुत कॉमन होता है। अपेंडिक्स होने का मुख्य कारण जो अब तक हम जान पाए हैं उसमें हमारी डाइट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमारी डाइट में सब्जियों की मात्रा बहुत कम होगी, शुगर हम ज्यादा लेंगे, सेडेंट्री लाइफ जिएंगे, मतलब फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में नहीं होगी, जंक फूड्स ज्यादा लेंगे, चॉकलेट्स, इस तरह के शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो ज्यादा पीते हैं, उन बच्चों में या उन बड़ों में जो सब्जियों का सेवन कम करते हैं सामान्यतः अपेंडिक्स अधिक देखा जाता है। कॉमन सिम्टम्स अपेंडिक्स के जो हम जानते हैं वो है कि पेट के दाएं भाग में राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ दर्द होता है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है क्योंकि अपेंडिक्स की लोकेशन वही होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर की अपेंडिक्स एक ऐसी संरचना है जो फ्रीली लटकी हुई होती है। अब मरीज में लक्षण इस पर निर्भर होते हैं कि वो संरचना का डायरेक्शन क्या है, वो छोटी आंत की तरफ है, बड़ी आंत की तरफ है, पेल्विस की तरफ है या आंतों के पीछे है। इस आधार पे लक्षण होते हैं। कई बार पीठ में दर्द भी उसके कारण होता है, कई बार दस्त उल्टी भी होते हैं, कई बार पेट में भारीपन रहता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, भूख कम हो जाती है। अपेंडिक्स के लक्षण बहुत वैरी करते हैं, इसलिए केवल इस आधार पे कि दाई साइड दर्द नहीं है, अपेंडिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है। सोनोग्राफी केवल एडवांस स्टेज में ही अपेंडिक्स को पकड़ पाती है, इसलिए बहुत संभव है कि अपेंडिक्स हो और सोनोग्राफी में नहीं दिखे। ऐसी स्थिति में जब मरीज के लक्षण होते हैं और सामान्य कोर्स के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता तो चिकित्सक सीटी स्कैन की राय देता है। सीटी स्कैन सोनोग्राफी से अपेंडिक्स के केस में बहुत बेहतर जांच है, मगर यह भी 100% अपेंडिक्स को पकड़ लेगी ऐसा नहीं है। अन्य 10 से 20% में रोगी को अपेंडिक्स होती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो सीटी स्कैन में आ ही जाए। कहने का मतलब ये, यहां चिकित्सक के देखने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि सीटी स्कैन में अपेंडिक्स दिख जाती है तब तो रास्ता बहुत आसान है, सीधा ऑपरेशन के लिए राय दी जाती है और लेप्रोस्कोप के द्वारा ऑपरेशन कर दिया जाता है। लेकिन जिन केसेस में सीटी स्कैन में भी अपेंडिक्स नहीं दिखती है लेकिन पेशेंट के लक्षण होते हैं कि पेट में कोई इन्फेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक आपको डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की राय देगा। दौरान वो आंतों को देखता है, आपके लिम्फ मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से भी बहुत ज्यादा बड़े हुए हों तो बायोप्सी ले सकता है,
और अपेंडिक्स की भी स्थिति देख सकता है, यदि आवश्यक लगी तो उसी स्थिति में वो अपेंडिक्स को भी निकाल सकता है। और मैकल्स डायवर्टिकुलम जो कि अपेंडिक्स से बहुत मिलती जुलती बीमारी है, इस तरह के केसेस में मैंने देखा है बहुत बार अटेंडेंट एंटीबायोटिक के कोर्स पे कोर्स देते जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति में कुछ दिनों इंजेक्टेबल्स भी लगवा लेते हैं। इन सब कोशिशों का नतीजा ये होता है कि वो सामान्य एक छोटा सा अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत जटिल हो जाता है। जो अपेंडिक्स के ऑपरेशन को सामान्य हम कई बार गुड मॉर्निंग अपेंडिसाइटिस कहते हैं कि हम पेट के अंदर गए, हमें अपेंडिक्स दिखाई दी और 20 से 30 मिनट में ऑपरेशन समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में बार बार इंफेक्शन होने की वजह से अपेंडिक्स के चारों ओर आंतें एक ऐसा घेरा बना लेती हैं जिससे कि वो इंफेक्शन नहीं फैले, और वो जितने बार अटैक होते जाते हैं वो उतना ही पक्का होता जाता है। अब ऑपरेशन के दौरान हमें अपेंडिक्स तक पहुंचने के लिए उन सब आंतों को काटना या छीलना पड़ता है। कई बार वो इंफेक्शन इतना तीव्र होता है कि वो अपेंडिक्स को सड़ा के मवाद बना देता है जो कि पूरे पेट में फैल जाता है, जिससे कि जानलेवा स्थिति तक सेप्टिसीमिया तक हो जाता है। हमें सावधान रहना आवश्यक है, ये जानना आवश्यक है कि कहीं हम जो जानकारी हमें मिली है गूगल से या बाहर से जहां से भी हमने ली है, कहीं हम उसका आधी अधूरी जानकारी का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अपने चिकित्सक पे यकीन रखें। आपको यदि कभी ऐसा आवश्यक लगे तो सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स लेकर अपने ओपिनियन के अनुसार जब तक ओपिनियन न मिले तब तक अलग अलग चिकित्सक के पास घूमना या रिपोर्ट्स के आधार पर खुद के निर्णय को चिकित्सक के निर्णय से ऊपर रखने से बहुत जटिल समस्याएं हो सकती हैं।